ओ भाई साहब, माशाल्लाह से, वाह भाई वाह। भाई साहब कैसे लग रहे हैं भाई? दोस्तों माशाल्लाह से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। हमने जो लास्ट वीडियो में हमने जो ये केज कलर किए थे, अब इनको रेडी करते हैं। ये रेडी हो चुके हैं, कलर वगैरह इनका सूख चुका है। अब इनकी जो है ना ऊपर वाली छत है वो लगाते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने जो सभी केजेस को कलर किया था वो फाइनली हमारे जो है ना रेडी हो चुके हैं। कलर वगैरह जो है सूख चुका है, तो अब इनको ना बस सेट करना है। इनकी जो छत ये जो है ना ऊपर जो है ये छत जो है ये लगानी है, जो शेड ऊपर है शेड लगा के फिर हम जो इनके अंदर जो ट्रेस जो हैं गंदगी वाली जो नीचे ट्रेस लगाती हैं वो ट्रेस वो सामने पड़ी हुई हैं उनको भी मैं अच्छे से धो के प्रॉपर इन्हें सेट करके इनके अंदर पैट्स वगैरह पैरट जो हमारे पैरट इधर छोड़े हुए हैं इनको भी इनके अंदर छोड़ के सभी जो हमारी डब्स हैं डब्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। डब्स ये देखिए छोटे से केज में बंद है, इससे भी मैं ना इनको भी ना इसी केजेस में छोड़ के इन केजेस में छोड़ के एक एक केज में छोड़ेंगे। बाकी जो 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 पैट्स इसके अंदर आने हैं वो छोड़ के फिर मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर एक बार में सभी सभी को। मैं सभी को सेट कर लूँ पहले, इनको जो ट्रेस है जो सामने पड़ी हुई ट्रेस को धो के अच्छे से फिर मैं आपको एक बार में सभी को दिखाऊंगा। एक बार में सारा दिखाऊंगा, ऐसे नहीं दिखाऊंगा, पहले सबको जरा सेट कर लूँ अच्छे से। फाइनली दोस्तों हमारी जो है ना ट्रेस हैं जो हमने केजिस के नीचे लगानी है वो हमें भी मैंने धोई हैं अच्छे से। ये देखें धो के मैंने रेडी कर ली हैं, अब सभी केजेस के नीचे लगाएंगे। ये जो गंदगी के लिए ट्रेस होती है नीचे आपको पता ही होगा, ये सभी केजेस के नीचे नीचे लगाएंगे। और जब मैं सभी केजेस जो हमारे रेडी हो जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी हम अपने कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं। यार आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये तो भाई आ जाओ बाहर आई। इनका भी थोड़ा सा ना चेंजिंग वगैरह करेंगे कबूतरों की, काफ़ी दिन से मैं कह रहा हूँ आपको, रोज़ाना कह देता हूँ लेकिन करता नहीं हूँ। सभी कबूतर बाहर आ चुके हैं, देखे चुके हैं, सभी एक्टिव हैं। अब मैं जल्दी से सभी केजेस को रेडी करता हूँ। फाइनली दोस्तों केज हमारे रेडी हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों दिखाऊं कि ना दिखाऊं मुझे समझ नहीं आ रही। अभी हमारे पास पैट्स जो है ना पैट्स कम है, जिसके हमारे पास जो चीज़ें थी मैंने इनके अंदर डाल दी। फाइनली हमारे जो केज है रेडी हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक दो तीन, दोस्तों ये देखें इनके अंदर मैंने एक वाइट जो हमारा एक्सपेंसिव पेयर था ना वो मैंने इनके अंदर छोड़ा कबूतरों का, बस सिर्फ एक पेयर छोड़ा, ये काफ़ी महंगा था। और ये इनके अंदर हमारे जो मिंकू है और जुड़वा भाई हैं, और हमारा इस केज के अंदर है बेबी पिजन, इसके अंदर एक बेबी पिजन हमारा जो बड़े वाला, और इनके अंदर डब्स जो पहले थी इनको फिर से इनके इस केज में छोड़ दिया। और हमारी ये बेबी छोटे वाला बेबी माशाल्लाह से देखें कितना ज़्यादा बड़ा हो चुका है। आप देखें मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ, फिर भी इसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, इसे नीचे ही रखा करेंगे। ये केज इसके लिए होगा और ये डब्स के लिए केज हो गया भैया। दोस्तों अब हम और चीज़ें देखेंगे, लेकिन ये हमारा जो बड़े वाला बेबी पिजन है इतना ज़्यादा ना हैंड टेम नहीं हो पाया, ज़्यादा अच्छा नहीं ट्रेन हुआ, ज़्यादा अच्छा ट्रेन नहीं हो पाया, लेकिन फिर क्या कह सकते हैं। अब देखें दोस्तों हमारे सभी केज रेडी हो चुके हैं फाइनली, तो अब इन केजेस को सेट करते हैं। तो इधर हमने ना जल्दी से अपना केज वगैरह बनवाएंगे इंशाल्लाह से। दोस्तों आपकी दुआओं की ज़रूरत है और आपके सपोर्ट की। तो सभी दोस्तों मुर्गियों को बाहर निकालते, धूप काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, सुबह के टाइम ठंड होती है, इसी वजह से अभी काफ़ी टाइम अब काफ़ी ना ठंडी है, काफ़ी गर्म धूप है, काफ़ी करारी धूप है। तो अब सभी मुर्गियों को बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो मैंने कबूतरों को फिर से बंद कर दिया, इनके अंदर ही केज के अंदर ही दाना वगैरह डाल दिया, अब इनको बाहर निकाल देते हैं। तो इस मुर्गे को बाहर नहीं निकालना, ये अंदर ही बंद रहा करेगा, तो इनको बाहर निकाल देते हैं सभी को। आ जाओ, चूहे भी बाहर निकाल देते हैं जो हमारे चूहे हैं। दोस्तों मैंने सोचा यार भाई साहब ठंड की वजह से ना इतना मसला बन रहा है ना, सब्जियां वगैरह स्टार्ट हो गई हैं यार, चापू ना फट जाए। आ जाओ भाई, आ सुल्तान को भी बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। आ जाओ अभी बाहर आ जाओ। फाइनली दोस्तों सभी हमारे जो है ना काफ़ी करारी धूप निकली हुई है, सभी हमारी जो मुर्गियाँ वगैरह हैं बाहर आ चुकी हैं। हमारी डक्स अकेली बेचारी रहेगी, इसके लिए कोई फीमेल लेके आनी पड़ेगी, इसका दोस्त लेके आना पड़ेगा थोड़े दिनों तक। अब इन सभी केजेस को मैं ना कमरे में सेट करता हूँ। बेबी पिजन छोटे वाला हमारा जो बेबी पिजन है ना इसे मैं नीचे ले जाऊँगा, और डक्स को तो ऊपर ही रखेंगे, बड़े वाला बेबी पिजन को ऊपर ही रखेंगे, और ये हमारे ऊपर ही रहती हैं। इन्हें मैंने नीचे लेके जाना था ताकि इन्हें ना बोलने के लिए ना सिखाना था,
लेकिन ये ओ भाई क्या हो, जो हमारा ये सुल्तान है काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहा है। सुबह के टाइम में इन सुल्तान को बाहर निकालते हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा ये है ना भाई साहब तंग करता है, सभी मुर्गियों के पीछे लग जाता है, तो वो डर के आगे भागते हैं यार। अब इन सभी को मैं धूप से, काफ़ी ज़्यादा करारी धूप निकली हुई, ये सारा दिन तो धूप में पड़े रहे तो हमारे जो हैं ये मर भी सकते हैं। दोस्तों अभी मैंने ना कमरे की सफाई वगैरह की है अच्छे से और सभी केजेस को अंदर सेट कर दिया। ये हमारा पेट्स वाला केज, ये इसमें बीपीएन बड़े वाला, ये देखें फाइनली आप देख सकते हैं न्यू हो चुके हैं हमारे केजेस। तो दोस्तों हमारे ये ड्रग्स हैं, ये देखें पानी में कितना ज़रा कुछ नज़र आ रही है, ये देखें अभी पानी वगैरह मैंने डाला सभी परिंदों को, जब धूप निकलती है उस वक्त सभी मुर्गियों को मैं पानी वगैरह डालता हूँ, जब ठंड हो ना उस वक्त अपने ना सभी मुर्गियों को या किसी भी पेट्स को ना पानी वगैरह नहीं डालना, सर्दियों के जब सर्दियाँ हो तो उस वक्त पानी नहीं डालना। दोस्तों ये हमारा जो बड़े वाला छोटे वाला पिजन है इसे मैं नीचे लेके चलता हूँ, इसे अपने साथ ही रखूँगा, इसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है। और दोस्तों हमारा जो इतना ज़्यादा काम होते हैं मैं आप क्या बताऊँ, सभी मुर्गियों के ना हमारे चूज़ों को चिचड़ वगैरह लगे हुए थे, अभी मैंने सभी को शावर वगैरह किया, ये देखें शावर वगैरह किया यार, चिचड़ वगैरह जो है ना नाम ही नहीं ले रहे, इतनी धूप है, अब काफ़ी करारी धूप निकली हुई है, सुबह का टाइम तो काफ़ी ठंड होती है, तो अभी अब यार क्या बताऊँ, अभी मैंने ना इसी केस स्केच को अच्छे से साफ़ करना है, अंदर से गंदगी सारी निकालनी है यार, जल्दी से मैं स्केच को साफ़ करता हूँ, कबूतरों को भी अलहदा करना है यार, इतने ज़्यादा केज कहाँ से लेके आऊँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, अब मैं जल्दी से इस केज को जल्दी से साफ़ करता हूँ। फाइनली दोस्तों इस केज की भी ना सफाई वगैरह हो चुकी है, तो अच्छे से सफाई वगैरह मैंने कर दी, अब मैंने ना इसे धूप लगवाने के लिए ना छोड़ दिया, ये इसके ऊपर वाली शेड है छत जो हमारी है, तो इसे वैसे ही धूप लगवाने के लिए छोड़ दिया, ताकि धूप वगैरह लगती ही रहे, जरासीम वगैरह जो हैं मर जाएँ। और दोस्तों जो आज हमारे जो कबूतरों वाला काम था ना वो भी आज मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यार कबूतर जो हमने लहजा करने हैं मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूं। दोस्तों इंशाल्लाह से अगली वीडियो में गिव अवे करेंगे, जो जिस भाई को कबूतर वगैरह चाहिए होंगे वो मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह से मैं उसे मैं आप गिफ्ट दूँगा, जो हमने कबूतर सेल करने, सेल नहीं वैसे ही दे दूँगा गिफ्ट, मुझे चाहिए नहीं इतने ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा कबूतर हैं। और इंशाल्लाह से आज की वीडियो को हम यहीं बयान करते हैं, आज की वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है, लंबी तो नहीं होगी लेकिन फिर भी मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतने, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।